हे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? स्वागत है सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अनिकेत भाई है और हमारी MTB है, अनिकेत भाई की N160 हुई है। तो हम जा रहे हैं वाले छोटी सी राइड के लिए, और हम इस छोटी सी राइड पे हमारे जो एक्रोपॉली एग्जॉस्ट था, हम उसका डीबी कलर निकाल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और देखने वाले रिएक्शंस क्या मिलते हैं। रिएक्शंस की बात नहीं है, बट फिर ऐसे ही फन के लिए हम डीबी कलर निकालने वाले एक छोटी सी राइड के लिए। तो डीबी कलर निकालते हैं अभी, और बहुत दिनों से मैंने इसका आवाज़ भी नहीं सुना है, तो सोचा कि आज सैटरडे तो फिर डीबी कलर निकाल लेंगे। थोड़ा सा फन चलता है भाई, और गर्म तो नहीं है क्योंकि गाड़ी तो बंद थी, और डीबी कलर निकाल लिया। ये अपना डीबी कलर है, तो इसको हम बैग में रख देते हैं। और आप देख सकते हो यार, कितना काला हो जाता है अंदर से ये डीबी कलर एग्जॉस्ट की वजह से। तो इसको हम बैग में जल्द से जल्द रख देते हैं, और देखते हैं दोस्तों क्या ही रिएक्शंस मिलते हैं हमको रोड पे। मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी कोई नहीं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी, ठीक है। तो आप घोड़ा भी देख सकते हो, घोड़ा नहीं खचेड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। और बाइक्स देख सकते हो यार, क्या ही लग रहे, क्या ही प्यारे लुक है। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने टेल मॉडिफिकेशन किया था इसका N160 का, जो कि अभी बना रहा हूँ मैं ब्लॉग्स, ये दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फिर आप देख सकते हो पीछे से क्या ही लुक आ रहा है दोनों बाइक्स का। तो चलते हैं अभी छोटी सी राइड के लिए, और नॉइस सुनना दोस्तों एक्रोपब्लिक का क्या आता है, और पब्लिक रिलेशंस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं दोस्तों अभी फाइनल राइड के लिए। हमने अनिकेत भाई भी है, और अनिकेत भाई देखो शुरू हो गए, और अपने डीबी कलर का आवाज़ इधर नहीं करेंगे क्योंकि इधर एरिया है, छोटे छोटे बच्चे और पब्लिक भी, दोस्तों पब्लिक को परेशान नहीं करने का, ठीक है। भाई की गाड़ी देख सकते हो क्या लग रही है, बस उसका वो साइड का जो बार है वो निकालने को वो जाने का हमको। तो चलते दोस्तों, हमारा काम जो है वो हो चुका है, और माफ़ करना यार, मैंने माइक लगाया नहीं था, माइक अडेप्टर जो था वो अटैच नहीं था। और पीछे से देख सकते हो यार क्या ही लग रही है अपनी अनिकेत भाई की बाइक। अनिकेत भाई बोल रहे कि वीडियो निकालो भाई, कि कैसे लग रही है हमको देखना है। तो चलो भाई, इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते थोड़ी बहुत, और हमने भी चेन फिट करवा लिया है क्योंकि बहुत ही लूज हो गया था,
और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हम डीबी क्लर निकालते हैं ना तो फिर बाइक का जो पिकअप रहता है वो कम हो जाता है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है जब भी डीबी क्लर निकालता हूँ मैं, बाइक का जो पिकअप रहता है, जो इनिशियल पिकअप रहता है वो कम हो जाता है बहुत ही, मतलब जैसे पहले लेती थी वैसे ही नहीं लेती, इतना तो है। और यहाँ से हम वापस घर पे जाएंगे, वहाँ से मैं सीधा अपने घर पे ही जाने वाला था, बट फिर अनिकेत भाई बोले कि फोटोज़ और वीडियोज़ चाहिए तो घर पे आना पड़ेगा, ये रहे तो दुश्मनों का क्या ही काम है दोस्तों। और ये देखो फुल फॉर्म में है, क्या ही सनसेट का व्यू है दोस्तों, ये नासिक का बेस्ट व्यू, नासिक द क्लाइमेट सिटी, सही कहा है किसी ने। और अनिकेत भाई फुल खुश तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, ये छोटी सी राइड आपने इंजॉय किया होगा उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय टाटा। और लास्ट में ये व्यू देख लो यार, क्या ही लग रहा है, चांबर लेने के साइड में यहाँ अनिकेत भाई रहते हैं, आप देख सकते हो। और क्या ही बैक फायर आ रहा है भाई बाइक का, और यहाँ से अनिकेत भाई का गांव जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ से, तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।